मुंह में दांत नहीं है, घुटने से टक टक की आवाज आती है, हड्डियां काम नहीं करती, उम्र हो गई है 96 साल। ये कहना है आगरा के रहने वाले एक बुजुर्ग शख्स का, क्योंकि उस पर आरोप लगा है रेप का। एक महिला ने उस पर आरोप लगाया है कि उसने खेत में उसके साथ रेप किया है, लेकिन वो बुजुर्ग बोल रहा है कि आप मुझे देखिए, क्या भाई आपको लगता है मुझसे कुछ हो सकता है? मेरी उम्र 96 साल हो गई है, मेरे मुंह में दांत नहीं रह गए हैं, हड्डियों से मेरे टक टक की आवाज़ आती है, चला मुझसे जाता नहीं, तो ऐसे में क्या आप लोगों को लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ? नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप, मेरा नाम वर्णिता वाजपेयी है। मैं आगे आपको ये पूरा केस समझाऊँ, उससे पहले आप बुजुर्ग ने जो गुहार लगाई है, जो इंसाफ की अपील की है, उस वीडियो में उसने क्या कहा है, एक बार आप वो सुनिए। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। क्या उम्र है आपकी? 96 साल की। क्या घटना हुई थी 7 तारीख को आपके साथ? खेत में गया मैं, अभी चलाई गाड़ी, पिछवा चला ली जा मैं, सोई उसने ईंट पत्थर गई मेरी छाल में, मैं बेहोश हो गया था। फिर मेरा नाती मुझे उठा के लाया। 96 साल के प्रताप सिंह का साफ तौर पर यही कहना है कि अब उनसे कुछ नहीं हो सकता, वो बेहद बुजुर्ग हैं, वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। वो महिला उनसे कम उम्र की थी, उनकी बेटी जैसी थी, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। दरअसल आगरा के रहने वाले जो प्रताप सिंह हैं, उनकी मूंग की जो दाल होती है उसकी खेती करते हैं, वो दालों की खेती करते हैं, और उनके पास कई सारे खेत हैं। तो वहाँ पर एक रोज़ एक महिला बकरी चराने आ गई। अब वहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं वो बैठे हुए थे, उन्होंने महिला को देखा और वहाँ से जाने को कहा। अब इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये पूरा मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया। दरअसल जब पुलिस स्टेशन महिला गई, उसका महिला का जो बड़ा बेटा है वो गया और उसने बताया कि प्रताप सिंह ने, जो ये बुढ़े आदमी है, इन्होंने मेरी माँ के साथ रेप किया है। इसके बाद पुलिस वाले भी शॉक रह गए कि ये कैसे हो सकता है। पुलिस वालों ने FIR दर्ज कर ली। लेकिन इसके बाद दो तरीके की कहानी सामने आई। जब SP सुकन्या सिंह ने इन्वेस्टिगेट किया तो दो तरीके की कहानी सामने आई, जिसमें जो महिला है वो कह रही है कि जब मैं बकरी चरा रही थी तो इन्होंने मुझे मना किया, मुझे वहाँ से भागने को कहा, लेकिन जब मैं नहीं गई तो इन्होंने मेरे कपड़े फाड़े और ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप किया। लेकिन अब ऐसे में जो बाबा जी हैं उनका कहना है कि आप खुद सोचिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? दरअसल जब ये महिला मेरे खेत में बकरी चरा रही थी, मैंने इसे जाने को कहा और ये नहीं गई, ये मुझसे लड़ गई। इसने ज़बरदस्ती अपने कपड़े खुद फाड़े, वहाँ पर जो पत्थर रखा था इसने मेरे सिर पर मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। और इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, और अब आप लोगों ने सीधे मुझ पर रेप का आरोप लगा दिया है। फिलहाल जो महिला है उसका मेडिकल कराने के लिए पुलिस ने भेज दिया है। पुलिस इसको एक रेप की केस के तौर पर देख रही है, और जो प्रताप सिंह है उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। लेकिन ऐसे में जो प्रताप सिंह है, जो 96 साल के एक बुजुर्ग आदमी है, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इस वक्त डरे हुए हैं और इन्हें लग रहा है कि ये महिला उन्हें फंसा सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि इस महिला ने पहले भी उस गांव के कई लड़कों को, कई मर्दों को फंसाया है, और फंसाने के बाद रेप केस में फंसाया और फिर उनसे पैसे लेके केस सुलटाने की बात कही है, और ये जो औरत है ये मुझसे भी पैसे मांगना चाहती है। इसीलिए जो प्रताप सिंह है वो डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अगर उन्हें पुलिस जेल में डाल देगी उनको क्या सज़ा हो जाएगी, वो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इसीलिए अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना ये वीडियो अपलोड किया है और न्याय की गुहार लगाई है, और ये कहा है कि एक बार अगर ये वीडियो सही लोगों तक पहुँचे, पुलिस वाले इसे देखें, तो उन्हें समझ में आएगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिलहाल इस केस में जो भी अपडेट होगी, या पुलिस क्या प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेगी, या वो औरत झूठ बोल रही है, उसने सच में अपने कपड़े खुद फाड़े और वो पैसों के लिए उसने इस तरीके से घिनौनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, इस बारे में जो भी खबर आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे।